राशन डीलर भीमसेन के खिलाफ शिकायत को लेकर डीएम से मिले गांव पथरा मुस्तकम के ग्रामीण। उन्होंने अपने गांव के राशन डीलर भीमसेन पर कम राशन देने व गाली गलौज बदतमीजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह गांव वालों के साथ गंदा व्यवहार करता है और कहीं भी शिकायत करने से नहीं डरता। दबंग किस्म का व्यक्ति है, उससे सब लोग डरते हैं। उसकी बदतमीजी से तंग आकर हमने SDM हसनपुर से भी शिकायत की थी, जिसके बाद जांच भी हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से आज कलेक्ट्रेट में मुलाकात की है और हम चाहते हैं कि आरोपी राशन डीलर भीमसेन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो और गांव वालों को न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम शरण सिंह है, ग्राम पंचायत पथरा मुस्तकम से, ब्लॉक गंगेश्वरी, तहसील हसनपुर से है। आज जो कलेक्ट्रेट आए हैं आपके, ये क्या है? हमारे यहाँ पर 17/5/2020 के लिए 20 को राशन वितरण हो रहा था। राशन लेने के लिए गए हम लोग, वहाँ राशन डीलर बालमुकन पुत्र भीमसेन राशन वितरण कर रहा था। वहाँ पर उसने जब राशन तोला तो उसने 3.5 किलो तोल रहा था, 5 किलो में। हमने उससे बोला, भैया इतना कम क्यों दे रहे हो? बोले, जी मैं तो इतना ही कम दूंगा। मैं बोला, यार कुछ कम कर ले भैया, अपना किराया काटना हो तो। बोले, चलो जी 1 किलो तो करोगे ही। मैं बोला, भैया 1 किलो भी ज़्यादा ले रहे हो आप लोग, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो उस बात पर जो मतलब गुस्से में हो गया, बोला लेना है लो, ना लेना भाग जाए यहाँ से, शिकायत कर दो जहाँ भी तुझे करनी हो। मतलब उसने अभद्र शब्दों का जो इस्तेमाल किया, जिसे नहीं बोल पाऊँगा मैं आपके सामने। और मेरे साथी थे ये, इनका नंबर आया, इनसे भी यही बोला, इसका भाई था उससे भी यही बोला। उसके बाद इसके भाई का गला पकड़ लिया, बोला अरे अपनी लड़की से एक नवाज दे के, बोला अरे वो रस्सा लेकर का अबान साले को कमरे में बंद कर इसे साले की हेंकड़ी निकालो। अरे साला हमें दादगिरी दिखावा है, हमारे तो ये पावर और वो पावर है, साले हमारे कोटा भी कर देंगे, ऐसे बोला। मैं बोला देखो झगड़ा करने से फायदा ना, भैया दे रहा दो ना दे रहा मत, हम जा रहे हैं अपने घर पर। क्या चाहते हैं आप? अब हमने गांव में प्रधान जी के पास पहुँचे, उनसे हमने बोला। प्रधान से ने सीधा कहा, भैया वो तो दबंग आदमी, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, आप अपनी कहीं भी शिकायत कर लो। हमने कुछ गांव के गणमान्य व्यक्तियों के पास गए, शिक्षित व्यक्तियों से पूछा, तो बोले भैया लो SDM साहब का नंबर है, उनसे शिकायत कर लो। उनका नंबर लिया SDM साहब का, उप जिलाधिकारी हसनपुर का, उन्हें कॉल करी। वो बोले क्या दिक्कत है? हम बोले सर ऐसे परेशानी है, हमें ये बदतमीजी करेगी हमारे साथ। बोले ठीक है, मैं अभी इस पर एक्शन ले पाऊँगा, कार्रवाई करूँगा मौके पे। फिर वो अगले दिन वहाँ पर वो जाते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, उन्होंने जांच करी वहाँ पर। जांच में उन्होंने देखा तो 48 लोगों ने खड़े होकर मौके पर उनके जांच अधिकारी के लिए बोला कि हाँ हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और टाइम पर राशन नहीं देता, कम देता है, बदतमीजी करता है। वो जांच लेकर आए, उन्होंने DM साहब को दी। स्वयं DM साहब उसके लिए जानकारी लेते रहे बीच बीच में, DM साहब को सूचना दे दी गई व्हाट्सएप के माध्यम से। अब उन्होंने आदेश करके अटैच कर दी और शिकायत सही पाई गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये 2 महीना होने जा रहे हैं कि वो दुकान हटा करके उस जो दूसरी जगह लगाई अटैच में, वो 2 किलोमीटर दूर पड़ रही है। रास्ता इतना गंदा रास्ता है, कभी हम वीडियो उसकी दे देंगे। दूसरी ये महिलाएं जा रही हैं, बड़ा गंदा रास्ता है प्रकाश नगर के यहाँ का। तो हम चाहते हैं कि वो उसके लिए नया प्रस्ताव किसी सही व्यक्ति के लिए हो जाए गाँव में।